यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गहमरबारा गांव में बेकरी एवं किराने की दुकान से चोरों ने उड़ाए 69,000 सेवराय। गहमर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारा गांव में ताड़ी घाट बारा मुख्य मार्ग पर स्थित बेकरी एवं किराने की दुकान से चोरों ने 69,000 रुपए चुरा लिए। इसकी शिकायत पीड़ित द्वारा गहमर थाने में लिखित रूप से की गई है। जानकारी अनुसार बारा गांव निवासी जाफर खान पुत्र अनवर खान की बारा बस स्टैंड के समीप बेकरी एवं किराने की दुकान के साथ साथ यूनियन बैंक का CSC सेंटर भी चलता था। रोज की भांति शुक्रवार की शाम जाफर दुकान बंद करके घर चला गया। सुबह जब दुकान पहुंचा तो देखा कि रोशनदान टूटा हुआ है और कैश काउंटर में से 69,000 रुपए गायब हैं। पीड़ित ने इसकी जानकारी बारा चौकी को दी। पीड़ित द्वारा गहमर थाने में इसकी लिखित रूप से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके पूर्व में भी उसके दुकान से 40,000 से 50,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो सका है। इसके कारण पूरे गांव में लोगों में भय व्याप्त है। ज्ञात हो गहमर थाना से 30 मीटर की दूरी पर गांव के ही मनोज चौरसिया के किराने की होलसेल की दुकान से लगभग 27,000 रुपए कैश काउंटर से निकालने के बाद लाखों रुपए के काजू और बादाम भी चोरी कर लिए थे। किंतु इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ से चोर 2.5 कोस दूर है। पुलिस के इस भीड़ मूल कार्य प्रणाली को देख लोगों में आक्रोश के साथ साथ भय व्याप्त है। इस संबंध में कोतवाल पवन उपाध्याय ने बताया, चोरी की तहरीर मिली है, जल्द ही चोर सलाखों के पीछे होंगे। गाजीपुर ब्यूरो चीफ नसीम खान की खास रिपोर्ट। नाम मोहम्मद जाफर खान और सनफ मोहम्मद अनवर खान। आज जो चोरी हुई है उसमें क्या क्या गया है बताए? मैं बारा का रहने वाला हूँ। मैं रोज की भांति 11 तारीख को दुकान बंद करके घर पे चला गया और सुबह आया तो देखा कि दुकान का वो खिड़की रोशनदान तोड़ के उसमें से लगभग 69,000 रुपया और कुछ सामान यहाँ से गायब मिला हमको। पिछले भी सालों में कुछ 2019 में लगभग मतलब इसी मौसम में उस वक्त भी चोरी हुआ था, जिसमें 40,000 लगभग गया था हमारा।